वालेकुम व्यूअर्स मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अताबुखारी यूट्यूब चैनल कुरान क्रीम की मुसलसल एफोजन के सिलसिले में आज हम अल बकरा की आयत नंबर 207 से लेकर 209 तक आ, इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे तो पीछे जो तीन आयात की वीडियो हमने पहले की उसमें उन लोगों की या उस ग्रोह की बात हुई जो जो सिर्फ़ दुनिया की ज़िंदगी और उसके फ़ायदों के ऊपर फोकस करते हैं तो और अपने जो मफाद परस्त जो जज्बात होते हैं उनकी तस्कीन के लिए या पर्सनल इंटरेस्ट गेन करने के लिए वो ज़मीन में फसाद बरपा करते हैं और जो सोसाइटी का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसको तबाह करते हैं सोसाइटी का जो सोशल सिस्टम होता है उसकी बर्बादी करते हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अब दूसरी ये जो आयात हैं जो हम आगे, आगे इस वीडियो में इनकी इंटरप्रटेशन करेंगे इसमें उन लोगों की बात हो रही है जो आ, अपनी जो डेडिकेशन्स है अपनी लाइफ की वो इस अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जो मनशा इलाही है अल्लाह की मर्ज़ी क्या होती है पूरी इंसानियत की फलाह यहाँ पर ये चीज़ वाज़ करनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो अलक्रन के अंदर आ जाते हैं ना अल्फाज तिल्ला यानी अल्लाह की रज़ा जिसको हम बोलते हैं तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह की खुशनुद्दी हासिल करना यानी अल्लाह को पहले नाराज़ है तो उसकी आ, कोई ऐसी वर्शिप करके खुश हासिल कर लें कि अल्लाह खुश हो जाए तो ये इस तरह से मामला नहीं है मातिल्ला का माना ये है रजा अल्लाह की रजा इसका मतलब ये है कि इंसानियत की फलाह की बात की जाए सोसाइटी की वेलफेयर की बात की जाए उसकी जो क्रिएशन उसकी जो मखलूक है उसकी आ, उसको पीसफुल रखने के लिए उसको प्रोटेक्टेड रखने के लिए उसको आ, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम किया जाए स्टेट का निज़ाम बनाया जाए ऐसी कुरान की हकूमत कायम की जाए जहाँ पर लोगों को लोगों की जिंदगी अमन के साथ गुज़रे आफियत के साथ गुजरे उनके साथ अदल का मामला किया जाए आ, उन वो जो जितना भी माशरे के जो लोग हैं उनके साथ इक्वल्टी के साथ आ, पेश आया जाए आ, सब लोगों को बाज़त रोज़गार मिले एज ए रिट मिले एज ए चैरिटी ना मिले भीख के तौर पर ना मिले तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो कुरान की रूह से हम बार बार इसको रिपीट करते रहते हैं तो मज़ातल्ला का मतलब ये होता है कि ऐसा निज़ाम कायम करना दीन का जिसमें इंसानियत को ये सारी चीज़ें मिले एज ए राइट एज ए चैरिटी नहीं चैरिटी मजहब के अंदर होती है दीन के अंदर तो वो ये कहता है स्टेट जो है रूलर जो एज ए राइट लोगों को दें बच्चे के दूध का ख़र्चा से लेके बड़े अफराद के वो जो होने तक उनकी एजुकेशन उनकी आ, उनकी जो टेक्निकल एजुकेशन उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो और उनके लिए फिर एम्प्लॉयमेंट ये सारा का सारा इस्टेट का हकूमत का ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये चीज़ें करे तो ये समझ आई मर ज़ात के मानी क्या है जब हम इसको अब इंटरप्रेट करेंगे ओवरऑल तो फिर आपको ये यहन में रखने होंगे कि मरजात क्या है तो इसको मैंने शुरू में ही वाजे कर दिया तो अब ये कहता है कि नासी मैश तरी न कुछ लोग वो हैं जो अपने आप को अपने नफ्स को बेच देते हैं गिरवी रख देते हैं अल्लाह की मर्जात की तलाश में अल्लाह की जो रज़ा है उसके लिए अपने आप को बेच देते हैं यहाँ पर ये समझ लें ये जो मई मई यशरी है मई यशरी इसी से ये मुशतरी भी है ये जो ख़रीदो फ़रोख्त होती है आ, तो उसके ऊपर वो कहते हैं मुशतरी होशियार बाश तो ये वो चीज़ है ये मई यशरी यशरी का मतलब बेच देना तो ये क्या चीज़ होती है बेच देना अल्लाह के हाथ बेच देना देखिए उस उसका मतलब ये होता है कि अपनी एफ़र्ट्स को डेडिकेट कर देना किसके लिए अल्लाह की रजा पूरी हो और अल्लाह की रजा क्या है सोसाइटी की वेलफेयर हो देखिए ये चीज़ें इस तरह से इंटरलिंक हैं कुरान को जब आप इस तरह से समझेंगे सवाब और गुनाह का जो रिलीजियस बिलीफ है उससे निकल कर तो फिर ये कुरान जो है अपनी तालीम के जरिए माशरे माशरे के ऊपर ऐसे मस्बत और तामीरी असरात मुरतब करता है कि जिससे माशरा फिर ग्रो करता है प्रोग्रेस करता है तो ये समझ गई चीज़ें कुरान करीम के ये अल्फाज मई यशरी नफ़हुपतिगा का माना क्या है कि अल्लाह के अपना नफ्स अल्लाह की रजा की की तलाश में बेच देना का क्या मतलब है अपने आप को वक्फ़ कर देना डेडिकेट कर देना तो किसके लिए ताकि सोसाइटी को वेलफेयर मिले तो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए डेडिकेट करना ये है अल्लाह की रजा और ये है अल्लाह की रज़ा के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर देना या डेडिकेट कर देना और आगे कहता है व्लाऊफ़म बिल इबाद और अल्लाह जो है वो बड़ा ही रऊफ़ है रऊफ़ का माना क्या होता है शफक़त वाला यानी वो वो तुम्हें ऐसा ऐसे निज़ाम का दीन के असूल देता है जाप्ते देता है ऐसी वैल्यूज़ देता है जिससे माशरा जो है वो अमन भी पाता है और उसको प्रॉस्पेरिटी भी मिलती है पीसफुल भी होता है और उसको अमन और सुकून और आफ़ियत भी मिलती है तो इसलिए वो यहाँ पर रऊफ बिल इबाद के माने लेकर आता है यहाँ पर ये फिर फिर समझ लें कि रऊफ बिल इबादाद का मामला यानी रऊफ़ का मामला शफ़कत का मामला शफीक होने का मामला ये क्या है ये अल्लाह नहीं है कि अल्लाह को शफीक है या अल्लाह कोई गुस्से वाला है या अल्लाह को डराने वाला है लफ्ज़ तो यही इस्तेमाल होंगे वल्लाहु रऊफ़ तो इसका मतलब ये है कि उसका जो कानून मकाफात अमल है वो इतना एकूरेट है कि किसी के साथ ज्यादी नहीं होती जो भी उसके अब्द है यहाँ पर बिल इबाद है बिल इबाद इबाद अब्द की जमा है तो अब्द के क्या माने होते हैं स्लेव, स्लेव को उसको कहते हैं हुक्म का गुलाम। तो जो इंसान जो भी इंसान जिस सोसाइटी के भी इंसान या जो भी सोसाइटी वो अल्लाह की अगर इबाद हो जाए यानी उसके अहकाम की महाकूम बन जाए स्लेव बन जाए तो उसमें क्या होता है कि वो दुनिया की जितनी भी स्लेवरी होती है उससे वो खुद को आज़ाद कर लेती है अल्लाह की जो माहकूमियत है यानी उसके हुक्म की जो ग़ुलामी करना है माहकूमी करना है ये इतनी बड़ी बात है कि उससे इंसान तमाम जितनी भी ये माहकूमियत है दुनिया की वो सियासी निज़ाम की माहूमियत हो वो माशी निज़ाम की माहूमियत हो वो माशरती निज़ाम की माहूमियत हो ये जितनी भी किस्म की माहूमियत है जिसमें इंसानियत की जिल्लत होती है बेतकी होती है इंसान उस जिल्लत से खुद को निकाल लेता है अगर वो अल्लाह की माहकूमी इख्तियार करता है तो ये बिल इबाद है तो इसी से उन्होंने इबादत बनाई इबादत अरबी का लफ्ज़ नहीं है जिसका फिर उन्होंने वर्षिप कर दी अल्लाह को वर्षिप की ज़रूरत नहीं है तो ये जो बिल इबाद है ये अब्द की जमा है और अब्द का मतलब होता है अल्लाह के हुक्म का गुलाम उसके हुक्म का माहकुम तो उससे फिर क्या होता है इंसान अपना सियासी मुआशी माशर्ती निज़ाम ऐसा बनाते हैं जो अल्लाह के कुरान के असूलों के मुताबिक होता है इससे मुआरह जो है वो प्रोग्रेस करता है और उससे फिर क्या होता है वो जो क़ानून होता है अल्लाह का कानून मकाफात अमल उसका कानून अदल वो फिर इंसानों के साथ शफकत का मामला करने लगता है अगर इंसान उस उन कवानी से वायलेशन करते हैं तो फिर अल्लाह के कानून मकाफ़ात अमल की रूह से फिर इंसानों को ज़िल्लत और तबाही मिलनी मिलने लग जाती है तो ये समझ लें आपके वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद इसके मीनिंग क्या है और मैंने यहाँ पर इबाद को वाज किया कि इसी से फिर उन्होंने इबादत बनाई और वो बन गया वर्शिप तो ये ऐसा नहीं है इबाद या अब ये क्या होता है अल्लाह के हुक्म की माहकूमी अख्तियार करना और उसका जो हुक्म है वो सिर्फ कुरान के अंदर है कुरान से बाहर किसी किताब के अंदर नहीं तो ये आयत वाज होगी होगी आपके ऊपर तो अब हम अगली आयत पे आते हैं कि आमन उद खलूफी काफा बड़े ही जामे तौर पे कुरान बात कर रहा है कहता है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो ए जमात मोमिन तुम उद तुम दाखिल हो जाओ फिर सिल्मी इस्लाम में काफ़ा पूरे के पूरे अब ये देखिए काफ़ा क्यों कह रहा है काफ़ा इसलिए कह रहा है कि कभी ये ना करना कि कुरान और हदीस कुरान और सुन्ना इस्लाम की बात करना कुरान की जब बात करोगे तो ये ना कहना कि फ़लाँ वो फिका में यूँ आया है फ़लाँ जो फिका की जो शरीय है उसके अंदर ये लिखा हुआ है ये है ये ड्यूलिज़म कहता है ये ना करना ये तो फिर शिरक हो जाएगा इससे तो फिर तुम्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी देखिए कुरान करीम क्यों कह रहा है काफा पूरे के पूरे ये नहीं कि कुछ कुरान से बात अच्छी लगी वो ले ली कुछ रवायतों से बात अच्छी ले ली अच्छी लगी वो ले ली कुछ फिका से बात अच्छी लगी वो ले ली तो ऐसा नहीं है या कोई अपने अकीदे के मुताबिक अगर किसी मसलक की या मजहब की बात अच्छी लगी तो कहा जी वो तो बहुत अच्छी चीज है वो अडोप्ट कर ली कहता है ये ना करना इस मामले में कभी भी ये ना करना ये ड्यूलिज़म है ये शिरक है इससे फिर तुम तुम्हारे ऊपर जो अल्लाह के कानून की हिफाजत है वो उठ जाएगी देखिए एक मुल्क का सिटीज़न वो उस मुल्क के अलावा किसी दूसरे मुल्क का भी सिटीज़न बन के उसकी भी वफ़ादारी करने लग जाए और आ, वो क्या हो जाएगा उसकी वफ़ादारी अपने मुल्क के साथ तो रहेगी नहीं एक सिटीज़न एक ही मुल्क का वफ़ादार रह सकता है ना दो एक या एक एक मुल्क से ज़्यादा मुल्कों का जब वो सिटीज़न वफादार रहेगा तो वो तो वफादार किसी मुल्क का रह ही नहीं सकता उसको तो वो उस मुल्क का वफादार नहीं समझेंगे तो देखिए जब आप कुरान के अलावा दूसरी जो इंसानों की लिखी हुई किताबें खा वो रिलीजसली कितनी भी वो मुकदस क्यों ना हो जब आप उनको भी कुरान के साथ मिलाएंगे और उससे कोई दीन का निज़ाम बनाएंगे तो वो दीन नहीं होगा वो शिरक होगा कुरान इसको शिरक बोलता है और कहता है फिर हिफाजत नहीं मिलेगी जिस तरह आप अपने मुल्क के कानून की व, व, आ, 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 उसको फॉलो ना करें दूसरे मुल्कों या उसको भी फॉलो करें दूसरे मुल्कों को भी कानून को ड्यूलिज्म कर, कर लें तो उससे क्या हो जाएगा उससे उस मुल्क के अंदर हिफाजत नहीं मिलेगी तो इसी तरह अल्लाह के कानून की जब आप एब्सोलूटली उसको फॉलो नहीं करेंगे इंसानों के बनाए हुए मजहब और मसाले को फॉलो करेंगे तो फिर अल्लाह के कानून की रू से हिफाजत उठ जाएगी वो हिफाजत नहीं मिलेगी जो अल्लाह के कानून से हिफाजत मिलनी चाहिए तो देखें इस तरह से कुरान करीम कह रहा है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ काफ़ा पूरे के पूरे थोड़े थोड़े नहीं कि थोड़े से इस्लाम में दाखिल हो गए थोड़े से कोई किसी मसलक में वो अच्छी लगी तो उसको अडॉप्ट कर लिया फिर कोई और थोड़ा सा मसलक अच्छा लगा उसको अडॉप्ट कर लिया तो कहता है ये नहीं इससे तो फिर तुम्हें हिफाज़त नहीं मिलेगी इससे तो फिर तुम जो है वो अपने आप को तबाही में हिलाकत में डाल लोगे और ये कहता है कि फिसम इस शिल्म के अंदर इस्लाम और इस्लाम का मतलब क्या होता है अमन और सलामती का दीन दीन का मतलब मैंने आपको बताया था हकूमत इकतदार ममलकत जबता हयात ये सारी चीज़ें इसका मतलब दीन होता है और वो जो दीन है अगर इस्लाम पर इस्लाम बेस होगा तो फिर क्या होगा अमन व आफ़ियत मिलेगी आ, तो ये इसकी आयत जो है याजल नामखलूफ सिल्म काफ़ा और ये कहने के बाद और आगे कहता है वला तबात शैतवान कहता है कि शैतान के नक्श कदम पर ना चलना अब यहाँ पर मैं वाजहे करूँगा कि ये तत क्या है और ख़ुतवा शैतान क्या है ये बहुत अहम है ये कॉन्सेप्ट समझ लें गौर से सुनिएगा कि ये जो तत है ये क्या है इतबा अब पैरवी कहते हैं समझ नहीं आती पैरवी क्या होती है देखिए अरबों को इसीलिए कुरान की किसी तफसीर की जरूरत नहीं थी रसूल सल को अरबों को जब कुरान के कुरान की कोई तस्वीर नहीं पेश करने की जरूरत पड़ी इसलिए कि ये जो अल्फाज थे वो समझते थे कि, कि तभी वो क्या है इतबा क्या है इसी से इतबा है ना तो वो जानते थे इत्तबा क्या होता है इतबा होता है कि जानवर का जो बच्चा होता है दूध पीने वाला छोटा बच्चा जब अभी वो दूध पी रहा होता है अपनी माँ का तो वो वो जो जानवर का जो बच्चा है वो अपनी माँ के पीछे पीछे जाता है जहाँ जहाँ उसकी माँ जाती है बच्चा उसके पीछे पीछे जाता है ना बच्चे को किसी ने कहा होता है कि तुम अपनी माँ के पीछे पीछे चलो ना किसी ने ज़बरदस्ती बच्चे को उसकी माँ के पीछे लगाया होता है बच्चे की अपनी एक जरूरत होती है उस जरूरत को पूरा करने के लिए बच्चा अपने माँ के पीछे पीछे रहता है उसने माँ का दूध लेना होता है हासिल करना होता है उसे माँ का प्यार चाहिए होता है उसे माँ की तरफ से प्रोटेक्शन चाहिए होती है तो ये तत्तावियों ये है कि बच्चे का अपनी माँ के पीछे पीछे रहना अपनी ज़रूरत के लिए तो वहाँ से क़ुरान करीम ने यह लफ्ज़ लिया तबियों का इतबा का तो अरब फ़ौर समझ जाते थे कि इतबा से क्या मुराद है यानी अल्लाह के कवान की इतनी ज़रूरत महसूस करना जैसे बच्चा अपनी माँ की ज़रूरत महसूस करता है जैसे बच्चे को अपनी लाइफ सरवाइव करने के लिए माँ के दूध की, की ज़रूरत होती है वैसे ही इंसानों को अपनी सर्वाइवल के लिए अल्लाह के कवानीन की जरूरत होती है तो उन का इस तरह से इतबा करना यह है तत्वियो इसको कहते हैं इतबा समझेंगे इतबा क्या होती है तो यहाँ पर यह भी चीज़ समझ लें जहाँ पर कुरान करीम की इतबा पैरवी होगी तो उसके लिए कुरान इतबा का लफ्ज़ लेकर आता है और जिस सोसाइटी के अंदर कुरान का कानून नाफिज हो जाए तो वो अब नाफिज हो गया अब उसकी इताहत होगी ये फ़र्क है इतबा में और इतात में तो इतवा कुरान क्यों लेकर आता है कि अपने अपने नफ़ की रजा से अपनी मर्जी से अल्लाह के कानून की इतबा करना अगर कोई ज़बरदस्ती किसी को इतबा कराएगा तो वो फिर इतवा नहीं होगी इतबा होती है जो खुद अपनी मर्जी से की जाए बच्चा अपनी मर्जी से मां के पीछे जा रहा होता है उसको जबरदस्ती कोई नहीं चलाता कोई उसको कहता नहीं कि तुम अपनी मां के पीछे चलो तो ये भी यहां पर आता है जहां पर इंसान अपनी मर्जी से अल्लाह के कानून की इतबा करे वो ना किसी की जबरदस्ती करने पर करे ना किसी के कहने के ऊपर करें ये चीज समझनी जरूरी है जैसे आप पानी पीते हैं तो आपको प्यास लगती है आप पानी पीते हैं आपको एक ज़रूरत है पानी की आपने प्यास बुझानी है आपको कोई नहीं कहता कि आप उठें और गिलास लें और डिस्पेंसर पा, पानी ले लें और पी लें आपकी अपनी एक ज़रूरत होती है उसके लिए आप उठते हैं गिलास पकड़ते हैं डिस्पेंसर से पानी डालते हैं और पी लेते हैं तो आपको ना किसी ने कहा होता है ना किसी ने आपके ऊपर ज़बरदस्ती की होती है तो जिस तरह आपने पानी से अपनी प्यास अपनी मर्ज़ी से बुझाई है इसी तरह अल्लाह के कवानीन की इतबा अपनी रजा से अपनी मर्जी से करना और समझना कि ये हमारी ज़रूरत है अगर हमने इसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुज़ारी तो फिर तबाही जो है वो हमें घेर लेगी तो इस तरह से इतबा करना अपनी मर्जी के साथ अपनी दिल की खुशी के साथ पूरे इरादे और इख्तियार के साथ इसके लिए कुरान करीम इतबा का लफ्ज लेकर आता है और जब कुरान का निज़ाम कहीं पे नाफिज हो जाए कुरानी असूलों की रूह से अब उसकी इताहत होगी तो इतबा तो उस वक्त भी होगी जब निज़ाम हो या ना हो यहाँ पर एक और अहम सवाल अब निज़ाम तो किसी भी मुल्क के अंदर कुरान का नहीं है तो इताहत तो नहीं है ज़ाहिर निज़ाम नहीं है तो अब हम क्या करेंगे इतबा तो इतबा होगी निज़ाम हो या ना हो इतबा होगी जब निज़ाम आएगा कुरान की रूह से किसी भी स्टेट में किसी भी सोसाइटी में तो फिर उस निज़ाम की इतात होगी वो फिर खुद बताएगा कि ऐसे इतात करनी है इतबा में कोई निज़ाम आपको नहीं बताएगा होता ही नहीं वो आपने खुद अपने इरादे और इख्तियार से खुद करनी होती है तो मैंने यहाँ पर इतबा की वजाहत कर दी और आगे आता है खुतवात शैतान शैतान के नक्शे कदम के ऊपर चलना उसके कदमों उसके खुतवात के ऊपर चलते चले जाना उसके खतूत के ऊपर चलना तो ये क्या होता है शैतान ये होते हैं इंसान के मफाद परफ जज्बात उन मफाद परफ जज्बात की तस्किन के लिए इंसान जायज़ नजायज को नहीं देखता ये नहीं देखता कि क्या चीज़ हक़ है क्या बातल है क्या सही है क्या गलत है क्या जायज़ा है क्या ना है वो अपनी जो मफाद पर जज्बा होते हैं उनको तस्किन उनकी तस्कीन के लिए वो सब कुछ हासिल करने की कोशिश करता है ये जो जज्बात होते हैं कुरान इनको शैतान बोलता है कहता है कि इनके पीछे ना लगना अगर इनके पीछे लगोगे तो ये फिर तुम्हें अल्लाह का जो कानून का जो पैटर्न है उससे फिर तुम हट जाओगे तो उससे जब हटोगे तो फिर आरजी फ़ायदा तो शायद मिल जाए लेकिन इन लॉन्ग रन तुम तबाही में मुब्तला हो जाओगे कहता है कि इसलिए वो कहता है कि इन्ना लकम अदब व मुबीन कहता है इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो शैतान है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है क्या तुम्हारा जो सरकश मफाद परस जज्बा होता है जिसकी तस्किन के लिए तुम जायज़ नाजायज़ को भी नहीं देखते और हर जुल्म से वो अपना मक अपना जो जो तुम्हारा इरादा होता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हो ये जो तुम्हारा जज्बा होता है मफाद पर सरकश जज्बा वो क्या होता है शैतान कुरान उसको शैतान बोलता है और आगे कहता है कि फ़ैन जलल तुम फिर अगर तुम फिसल जाओ यानि अल्लाह के कवानीन से तुम्हारे पाँव उखड़ जाए तुम उन उन कवानी की वायलेशन वायलेशन करो यानी अल्लाह के कवानीन की इतबा ना करो उनकी वायलेशन करने लग जाओ ये होता है फ़ैन जलल तुम तुम्हारे पाँव उखड़ जाएँ तुम वहाँ से फिसल जाओ तो फिसल के तुम अपने मफाद परस्तियों में मुबतला हो जाओ मम्बादी मा जाम इसके बाद के तुम्हारे पास क्या है अलबैनात तुम्हारे पास बैनात आ गए कुरान के वाज दलाइल आ गए इसके बाद भी अगर तुम फिसल गए तुमने अल्लाह के कवानीन की वायलेशन करके अपने मफाद प्रस्ती के जज्बात उससे मगलूब हो गए और हर जायज़ नजायज़ तरीके से अपने जज्बा की तस्कीन करने लगे तो वाज दलाइल आने के बाद क़ुरान जो है उसको अल्लाह बनात बोलता है न वाज दलायल कहता उसके आने के बाद अगर तुमने ये किया तो कहता है कि फ़ालमो अन्ला अज़ीज़ नकीम तो फिर जान लो कि अल्लाह का जो कानून मकाफ़त अमल है वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी आ, कोई हरकत उससे छुपी हुई है तुम्हारी एक एक हरकत उसके इल्म में है एक एक हरकत उसकी नज़र में है फालम तो तुम अच्छी तरह से जान लो किसी धोखे में ना रहना हमारा कानून मकाफत अमल आ, उसके इल्म में है कि तुम जो कुछ भी करते हो और वो इतना ज़बरदस्त है आगे कह रहा है अजीज़ कहता है कि बड़ा ही जबरदस्त है वो उसको तुम कुछ चुकवा नहीं दे सकते उससे तुम बच नहीं सकते दुनिया की किसी भी खिते में चले जाओ दुनिया के किसी भी गोशे में जाकर छुपकर छुप कर बैठ जाओ उसकी कानून की नज़र से और उसके ग़लबे से तुम बच नहीं सकते वो हर जगह ग़ालब है और आगे फिर वो कहता है कि हकीम देखे फ़ालमू आगे क्या कह रहा है अनीज़ुल हकीम अल्लाह का जो कानून मकाफत अमल है एक तो वो गालिब है तुम उसकी ग़लबे से बच नहीं सकते एक चीज़ और आगे कहता है हकीम कि हमारा जो कानून मकाफत अमल है वो कोई दौस के साथ नहीं उसका गलबा दौस के साथ कायम नहीं है बल्कि हमत के साथ कायम है वो किसी से ज़्यादा नहीं करता जितना जो कुछ इंसान जो कुछ कर रहे हैं ठीक ठीक उसका उसके ऊपर नज़र रखता है और ठीक ठीक उसका रिकॉर्ड करता है और ठीक ठीक उसके नतयज भी मुरतब कर रहा होता है ये तीनों चीजें इस, है। है तुम छुप नहीं सकते कानून मकाफत अमल गालिब है यानी गालिब है तुम उसकी रेंज से बच नहीं सकते और वो फिर उसका जो गलबा है वो यानी जैसे इकतदार के अंदर एक दौस होती है, वो नहीं है दौस के साथ वो गलबा नहीं है के के साथ है हिकमत के अंदर तो फिर रीजनिंग आ जाती है ये जो हकीम है इसके अंदर रीजनिंग आ जाती है फिलासफिक वे से चीज को समझना और उसके नतज को मरतब करना ये नहीं कि कोई डिक्टेटर बैठा हुआ है तो जैसे कहे जो हमने तुम्हें आर्डर दे दिया बस ये करो नहीं करोगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे अल्लाह इतना कादर मुतल होने के बावजूद तमाम इंसानियत और कायनात का क्रिएटर होने के बावजूद वो ये कहता है कि हमारा जो गलबा है वो धौस पर मबनी नहीं है वह ऐसे नहीं है कि हम कुछ डिक्टेटर बन के बैठ गए हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी ताकत आ गई है तो जो हम कह ही जाए वो करते जाए वो कहता नहीं हम वही कहते हैं जो इन जो सोसाइटी की वेलफेयर में होता है तो डिक्टेटर तो वो करता है ना जो उसकी फायदे के लिए होता है अल्लाह जो है वो वो कुछ हुक्म देता है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा हो वो खुद तो अलगनी है असमद है उसको तो किसी फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है इसलिए वो ये कहता है कि हमारा जो गलबा है वो क्या है रेशनल रैशनल है रीज़न पर मबनी है हिकमत पर मबनी है धोस पर मबनी नहीं है तो ये चीज़ अजीज़ हकीम के अंदर आ रही है कि गलबा है लेकिन पर मबनी है रीज़निंग पर मबनी है फ़िलासफिक वे से है ये नहीं है कि हमने दौफ के साथ वो गलबा हासिल किया हुआ है बल्कि किस लिए हासिल किया हुआ ये गलबा ताकि इंसानियत को अमन मिले आफियत मिले सकून और राहत मिले हिफाजत मिले प्रोटेक्शन मिले इसलिए हमारे पास ये गलबा है तो हम अपने गलबे को इंसानियत के ऊपर दौफ़ जमाने के लिए नहीं डिक्टेटरशिप कायम करने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की फलाह के लिए हम अपने गलबे को कायम रखे हुए हैं इस गलबे की रूह से हमारा कानून मकाफात अमल तुम्हारी एक एक हरकत के ऊपर नज़र रखे हुए हैं उसको रिकॉर्ड कर रहा है और तुम्हारे अच्छे और बुरे अमल का हर अच्छे और बुरे अमल का उसके मुताबिक अच्छा और बुरा नतीजा मुरतब कर रहा है अब ये समझें आप कि ये क्या चीज़ है नकीम वैसे तो आप तर्जमा पढ़ के गुजर जाएंगे सवाब की रूह से कुछ समझ नहीं आएगा कि अल्लाह क्या क्या रहा है कितने बड़े फैक्ट्स हैं जो इन आयात के ऊपर गौर करने से हमें हासिल होते हैं तो उम्मीद है कुरान करीम का असूल तफक करूँ आप ख़ुद भी इसके ऊपर गौर फिक्र करेंगे शुक्रिया